हेलो गाइज यार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो काफी क्रेजी रहने वाली है, काफी सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले यार, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड इसके साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, सो दैट आप लोगों को वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगी। एंड हमारे 1,23,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले, अगर जल्दी से सपोर्ट कर दो तो हमारी फर्स्ट अपडेट निकल कर आती है एमजे को लेकर। तो जो रेवरेंट ई स्पोर्ट्स है, उन्होंने एक पोस्ट डाला जहां पे उन्होंने लिखा था थैंक यू एमजे। एंड बेसिकली उन्होंने एक रील को शेयर करा एंड वो आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को नजर आ रही होगी। एंड काफी लोगों ने यार बिना इसके पूरी वीडियो को देखे उन्होंने कमेंट में लिखना स्टार्ट कर दिया कि वो गॉड लाइक को ज्वाइन करने वाले हैं। तो इसमें जब हमने एंड में देखा तो यार हमारे को क्या देखने को मिला वो आप लोग स्क्रीन पे देख लो। एंड आप लोगों के इसके ऊपर क्या व्यूज है आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है वो निकल कर आती है शेडो एंड क्लच गॉड को लेके। तो हमारे को यार काफी लोगों को ये डाउट था कि हमारे को न्यूमन को इन्वाइट देखने को मिलेगा। तो इस चीज के ऊपर जो शेडो है उन्होंने अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पे एक मैसेज डाला जहां पे उन्होंने लिखा था इन्वाइट है गाइस, टेंशन मत लो, वो भी रिवील हो जाएगा। इतने सारे क्वेश्चंस थे, वो भी एक्सपेक्टेड था शॉर्ट में। एंड आईजीएल मैं ही करने वाला हूँ, ड्रॉप मोस्टली हमारा सेम रहने वाला है, स्टार्ट में सिचुएशन के हिसाब से खेलने वाले और का अनाउंसमेंट हो जाएगा, नो टेंशन, अब बस इवेंट के स्टार्ट होने का वेट है। वो मैसेजेस आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। काफी लोग जो निंजा है उनसे बोल रहे थे कि हमारे को ड्रॉप क्लैश देखने को मिलने वाला है शेडो एंड निंजा की टीम का। तो इस चीज के ऊपर निंजा ने रिप्लाई करना, ने क्या बोला वो आप लोग देख लो। निंजा ब्रो, व्हाट्स योर व्यूज ऑन ड्रॉप क्लैश विद शेडो टीम? कुछ व्यूज नहीं है, वो शेडो भी उधर से खिलाता है तो उसमें क्या है ड्रॉप क्लैश होगा। एंड इसके बाद यार काफी लोगों को वेट है कि जो ब्लाइंड ई स्पोर्ट्स है उनके अंदर हमारे को क्या एडिशन देखने को मिलेगी। तो इसके ऊपर जो गेम्स है उन्होंने बात करी, हमने कुछ लीक्स वगैरह दी थी तो उन्होंने इस पे क्या बोला वो आप लोग देख सकते। क्या है बात यार, लाइव लीक्स गॉब्लिन ज्वाइन ब्लाइंड भाई मेरे हिसाब से बस दो नाम मुझे बस आ रहे हैं, एक तो ये ठीक है सूत्रों के हवाले से, और सूत्र हमारे चैट में छुपे हुए हैं ठीक है, आप में से कोई करके। अरे मीम्स भाई जा रहे हैं क्या? अरे यार वो कास्टिंग के लिए कर रहे हैं भाई कि आपका CS2 का होने वाला है, DBS नहीं होनी चाहिए। अच्छा ऐसा क्या, या फिर फियर्स का नाम आ रहा है सबसे ज़्यादा। और मेरे हिसाब से भाई क्योंकि देखो फियर्स सर ऑलरेडी यार रेवेनेंट का पार्ट है, ऑलरेडी टीम इज प्लेइंग, तो आई डोंट थिंक कि कोई मतलब बनता है आप दूसरी टीम्स को आप खेल पाए। तो इसीलिए 80% चांस ये है और 20% चांस है ये मेरे ख्याल से। तो क्या यार अब हमारे को जो रेगल टॉस है वो खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे BMPS? इससे रिलेटेड उन्होंने बात करी अपनी स्ट्रीम पे, तो उन्होंने इस पे एग्जैक्टली क्या बोला वो आप लोग देख लो। ये तो रहे भी क्या WHB रहेगा गाइस, WHB नहीं जा रहा मैं, कुछ है चीजें बताऊंगा मैं, कभी टीम सी भी नहीं जा रहा। वैसे इनवाइट्स तो मैं बहुत थे बट मेरे ख्याल से 22 से स्टार्ट हो रहा है BMPS है ना, और आज 20 एंड LFT मैंने 18th को करा था, बट स्टिल मेरे को लगा नहीं था इतने टीम्स के इनवाइट आएंगे, बहुत टीम्स के इनवाइट थे एंड रोस्टर सबके फुल हैं भाई। कमेंट तो पढ़ो सबके यार, पहले तो यार गाइस लास्ट वोट लास्ट डे है, जगह बता दे वोट मांगना, मेरे ख्याल से कोई ऐसा अपना स्लॉट देता नहीं है। बट फिर भी कुछ टीम्स थी जो कह रहे थे कि आप क्वालिफायर्स तक रुक जाओ, सेमीफाइनल्स आप प्लेइंग फॉर में आ जाना, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी टीम के एनर्जी है, बट मैं चाहता हूँ कि मैं क्वालिफायर्स भी खेलूँ, मैं स्टार्टिंग से करूँ, तो इसलिए मैं शायद वापस से देखता हूँ। लेट्स सी यार, अभी भी और देख रहा हूँ क्या पता कहीं मिल जाए जिसमें मैं क्वालिफायर्स भी खेलूँ, सिर्फ सेमीज और फाइनल्स नहीं खेलूँ। एंड इसके बाद हमारे को एक इंटरव्यू के अंदर जो क्रॉन्टन है उनसे पूछा गया था कि जो स्काउट है उन्होंने काफी बार बोला है कि उन्होंने गॉड लाइक के फाउंडर थे, उन्होंने स्टार्ट में गॉड लाइक को फाउंड किया है। तो इस चीज के ऊपर जो क्रॉन्टन है उन्होंने रिप्लाई करते हुए क्या कहा वो भी आप लोग देख लो। हुई थी जहाँ पे स्काउट को कुछ लोग टॉन्ट कर रहे थे, स्काउट भाई ने कहा कि गॉड लाइक पूछो उसका फाउंडर हम भी रहे हुए। तो मैं जानना चाहूंगा कि गॉड लाइक के प्राइमरी कौन कौन लोग थे जिन्होंने मिलकर गॉड लाइक। देखो एक बात बताता हूँ, फाउंडर मतलब ऑनेस्टली कह रहा हूँ, उस टाइम पे और बनाना एक्सपर्ट्स और या फिर ये थिंकिंग मेरा था उस टाइम पे, एज अ प्लेयर एज अ लोग वो मेरे साथ थे एंड फिर हमने साथ में मिलके बिल्ड किया है ये। बट सी एक और का फाउंडर बनना या फिर उस और को चलाना या फिर काफी मुश्किल होता है, क्योंकि अगर आज के डेट में आप देखोगे गॉडलाइक जब मैंने स्टार्ट किया था तब मेरा इतना नाम नहीं था, बिल्कुल सही बात है, 200-300 के था। बट आज के डेट में अगर स्काउट TX का फाउंडर है ऑब्वियसली, बट कितना मुश्किल है उसको, बट वो एक स्काउट होके भी उसको इतना
प्रॉब्लम हो रहा है तो आप सोचो मैंने कैसे क्या फेस किया। तो ऐसा बोलना कि फाउंडिंग ये मैं तो बिलीव नहीं रखता टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि एक और रन करना और ये सारी चीजें उसके पीछे बहुत मतलब उस टाइम पे मैंने स्काउट वगैरह जब गए फिर अलग टीम आई फिर उन्होंने अलग चीजें करी फिर हो गए काफी सारा फंड्स गया साथ में तो काफी सारी चीजें। बट हाँ ये कह सकते हो कि स्काउट मेरा स्टार्टिंग से एक बेस्ट फ्रेंड रहा है और स्टार्टिंग में उसने मुझे हेल्प करी है गॉडलाइक बिल्ड करने के लिए। एक रील एंड इसके बाद यार काफी लोगों का ये क्वेश्चन था कि हमारे को BMPS में जो मवी की टीम है वो खेलती हुई दिखाई देगी या नहीं, तो इसके ऊपर मैं आप लोगों को बता देता हूं उनका हमारे को कोलैब होता हुआ दिखाई देगा टीम क्रूज के साथ जहां पे वो हमारे को खेलते हुए दिखाई देंगे। वहां पे सिक्स मैन लाइनअप उनका रहने वाला है एंड इसमें हमारे को मवी निंजा बॉय राइडर वेरमैन एंड शर्गिल खेलते हुए दिखाई देंगे एंड इससे रिलेटेड यार मैंने आप लोगों को लीक दी। एंड इसके बाद यार काफी लोगों का ये क्वेश्चन है कि हमारे को जो टीम एक्सपार्क है वो BMPS खेलती हुई दिखाई देगी, तो इसके ऊपर भी मैं आप लोगों को बता देता हूं जो टीम एक्सपार्क है वो हमें खेलती हुई दिखाई देगी BMPS में एंड वहां पे हमारे को उनका फॉर्मल लाइनअप देखने को मिलेगा सारंग स्प्रे गॉड ड्रीम्स एंड साथ में पुकार एंड वो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि वो हमारे को स्क्रिम्स भी खेलते हुए दिखाई दिए थे। एंड इसके बाद यार काफी लोगों को ये कंफ्यूजन है कि हमारे को जो स्काउट है वो TX में खेलते हुए दिखाई देंगे या नहीं, तो इसके ऊपर मैं आप लोगों को शाम तक बता दूंगा अपने इंस्टाग्राम के ब्रॉडकास्ट चैनल पे, तो आप लोग जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं एंड लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद काफी लोग जो निंजा है उनसे पूछ रहे थे कि हमारे को ओवेज और रॉबिन में से कौन आई जेलिंग करता हुआ दिखाई देगा, तो इस चीज के ऊपर उन्होंने रिप्लाई करा ने क्या बोला वो आप लोग देख सकते। Will be IGLing in BMPS, Robin or OS करेगा। और ओवरऑल टीम की प्रिपरेशन कैसी है फॉर BMPS? By the way, lots of love. Thank you, hey bro. And OS का सीनर जी अच्छी खासी बैठ रही है, क्योंकि अभी अपने बहुत कम खेला है फिर भी वो हमको समझ रहा है यार, वो बंदा हम पे बहुत ट्रस्ट रख रहा है और हम भी उस पर बहुत ट्रस्ट रख रहे हैं, हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम बोलूँगा नहीं कि अभी हम बेस्ट टीम है, हम फटफट सब कुछ कर लेंगे, वैसे अभी जस्ट आया, थोड़ा टाइम दो। देखो टाइम टू टाइम एक टीम को बेस्ट टीम बनाती है, क्योंकि जल्दी काम से कभी कुछ चीज सक्सेस नहीं होती। अब तुम एक दो टूर्नामेंट इसके बाद जो शेड है उन्होंने क्यू एन ए करा था जिसके अंदर उनसे क्वेश्चन पूछे गए थे, जहां पे उन्होंने किसी ने पूछा था कि आप स्टिल पार्ट ऑफ गॉड लाइक है, तो इसके ऊपर उन्होंने रिप्लाई करा कि गॉड अल अमर बता सकते हैं ये, एंड वो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। एंड इसके बाद काफी लोग उनसे पूछ रहे थे रिलेशन विद जोनाथन नियो एंड जी गोड, तो इसका भी उन्होंने रिप्लाई करा एंड वो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख लो। एंड इसके बाद जो मस्ती जोन है उनसे काफी लोग पूछ रहे थे कि जो हाइड्रा उनको इन्वाइट रहने वाला है BMPS में, तो इसके ऊपर उन्होंने रिप्लाई करते हुए क्या बोला वो भी आप लोग देख सकते हैं। हाइड्रा को BMPS इन्वाइट मिला क्या? गाइज आपको ये अनाउंसमेंट मिल जाएगी, हाइड्रा खेलने वाली है कि नहीं ब्रदर, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ट्रस्ट करो हाइड्रा के ऊपर, बस आप सब कुछ अच्छा ही होगा भगवान की दया से। जय श्री राम मेरे भाई। मैं खुद दर्द में था, मूव ऑन करना पड़ता, आप क्या कर सकते। कैसे हो? गुड मॉर्निंग यारो, स्ट्रीम्स खेलो लाइफ पे, नहीं नहीं प्रैक्टिस कभी भी लाइफ पे नहीं भाई, हेट नहीं चाहिए मेरे को। तो बस गाइस यार अभी के लिए मेरे पास इतनी न्यूज़ थी, एंड आगे कोई और अपडेट मिलेगी तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।